अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? नवाबशाह के मोमोज हमने ट्राई किए, हमने हैदराबाद के मोमोज ट्राई किए और आज हम आ चुके हैं टंडो आदम। और टंडो आदम में हमने देखा कि नया सेटअप है भाई का, और इधर चाइनीज़ मोमोज नहीं, काफ़ी और आइटम भी। अभी हम काफ़ी आइटम भाई के पास हैं, वो सारे आइटम चेक करते हैं और आपको टेस्ट बताते हैं। अस्सलामुअलैकुम अंकल। अंकल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल आप ये मोमोज सेल कर रहे हैं, इसके क्या प्राइस हैं प्लेट के? प्लेट के 120 रुपये की 6 देते हैं। और इसके अलावा और कुछ भी आपके पास? मैक्रोनी है, चिकन के साथ है, वेजिटेबल वाली भी है। और उनका प्राइस बता सकते हैं आप? 100 रुपये का पैकेट होता है चिकन वाली का, प्लेन का? चिकन वाली का। अच्छा, और शादी का? शादी का ये एक्स्ट्रा दे देते हैं। अच्छा, पैकेट बना के अभी हमें भी चेक करवाएं, मोमोज भी और मैक्रोनी भी। कुछ भी है क्या आपके पास? मोमोज भी होते हैं आपके पास? उसके क्या प्राइस हैं प्लेट के? 20 रुपये का है, यानी 100 रुपये की 5। और अगर कोई सिंगल पीस लेना चाहे सिंगल भी देते हैं? हाँ, सिंगल भी देते हैं। अच्छा, कल आप पहले कहीं और बनाते थे या आपके दिमाग में आइडिया आया कैसे? बस ये घर पे यूज़ करते थे, फिर शौक हुआ, ऐसी कुकिंग का तो काम करते थे मैं। अच्छा, लगाया जाए नया आइटम है। वैसे टंडो आदम में कोई और सेल नहीं कर रहा हमने देखा, मैंने नवाबशाह में भी ट्राई की, हैदराबाद में भी ट्राई की है, अभी यहाँ के भी ट्राई करते हैं। अभी यहाँ के भी ट्राई करते हैं। इनमें से वोंगटोन ये फ्राई वाले हैं और ये स्टीम वाले मोमो हैं। अच्छा, ये चटनी आपके घर की है? हाँ, ये बनी हुई है, स्पाइसी चटनी होती है। अच्छा, मोमो के स्पाइसी चटनी होती है। अच्छा, इसमें फिलिंग चिकन की है, किस चीज़ की है? चिकन और वेज मिक्स है मोमोज में, और वोंगटोन में? वोंगटोन में फुल चिकन है। अभी चेक करते हैं, आपको टेस्ट बताते हैं। सबसे पहले अपन ये मोमोज चेक करते हैं, ये भी ज़बरदस्त मज़ा आया। अभी वोंगटोन चेक करते हैं और आपको टेस्ट बताते हैं। ये मुर्गी है, मुर्गी में है ना, मोमोज से ज़्यादा वोंगटोन में मज़ा आया, क्योंकि इसमें जो क्रिस्पीपन है ना वो मोमोज से थोड़ा ज़्यादा है। मोमोज क्योंकि स्टीम हुए हैं उसमें इतना क्रिस्पीपन नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पीपन है और इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मेरी तरफ से तो दोनों ही रिकमेंडेड हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करें। एक बाइट इसकी और लेते हैं बगैर सॉस के, और ये मोमोज 120 रुपये की, बगैर सॉस के भी काफ़ी मज़ा आया, आप भी ज़रूर विजिट करें। अभी आपको फ्रंट की साइड से सेटअप दिखा देते हैं ताकि आप लोग आएँ तो आपको आसानी हो। अभी आ चुकी है अपने पास मैक्रोनी, मैक्रोनी भी चेक करते हैं और आपको टेस्ट बताते हैं। मैक्रोनी भी काफ़ी ज़बरदस्त हुई भी है, लेकिन इसमें अभी मसाला कम है, आप केक कर टेस्ट करवा सकते हैं। आप भी ज़रूर आएँ अंदर, मुझे काफ़ी मज़ा आया है। भाई आप अंकल की शक्ल देख लें, ये सब कुछ मैंने चेक करने के बाद जब अंकल से प्राइस पूछे तो अंकल ने प्राइस भी नहीं बताया और बोला ये मेरी तरफ से। आप भी ज़रूर आएँ, मुझे अंकल का इखलाक भी काफ़ी पसंद आया और आइटम का टेस्ट भी काफ़ी पसंद आया, आप भी ज़रूर आएँ। ये मोमदी चौक है और इधर ये सेटअप लगा हुआ है नया चाइनीज़ फूड के नाम से अंकल का, और काफ़ी टेस्टी आइटम है इधर। मैक्रोनी भी है, चिकन भी है, वेज भी है, वोंगटोन और मोमोज दोनों आइटम है। भाई आप क्या लेने आए? अच्छा, लेते रहते हैं या फिर आज लेने आए? अच्छा अंकल, लोगों का रिस्पांस क्या है चेक करने के बाद? अच्छा रिस्पांस हो रहा है, लगभग कराने। अच्छा, अदर रिस्पांस किस चीज़ का आ रहा है? मोमोज का अपने हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, और जो चीज़ नया आइटम है उसका बहुत अच्छा रिस्पांस है। अच्छा, वोंगटोन हर किसी को पता होता है, जायके का भी पता है, मैक्रोनी का भी पता होता है, और ये के टेस्ट होता है, फ्लेवर होते हैं जी, आपने और वेज का और चिकन का फ्लेवर होता है। अच्छा, और इसमें स्पाइसी भी रहेगी, लाइट बच्चों के साथ, बच्चों के साथ। अच्छा, जो जैसा बोलते हैं आप वैसे बना के देते हैं। अच्छा, इंशाल्लाह रमजान में वोंगटोन है, चिकन बोल है, अच्छा बोल है जी, तो वो आइटम बनाएंगे ऐसे इंशाल्लाह। अच्छा, कल ये अभी कितने वाली प्लेट तैयार हो रही है? ये 100 वाली प्लेट है, प्लेट तैयार हो रही है। अच्छा, और ये भी चिकन वगैरह हम ऊपर से लगा के देते हैं। अच्छा, ये मिक्स ही करते हैं, जैसे मिक्स होती है तो उसमें पता चलता नहीं बच्चों को। हाँ, पता चलता नहीं है। उस हिसाब से ऊपर से लगा के, ऊपर से लगा के। मेरे हिसाब से तो इसमें चिकन की फिलिंग भी आपने अच्छी की है, जिस हिसाब से चिकन का रेट है। बोनलेस होता है,
ये कि स्पाइसी चटनी होती है केसर की जगह। चटनी में मुझे आपका बड़ा मजा आया, जैसे चिल्ली गार्लिक सॉस होती है आपने उस तरीके की चटनी बनाई है, उससे भी बेहतर है। वो सारे वो है मसाले, देसी मसाले वो अच्छा। नुकसान दे वाले नहीं है, नहीं है नुकसान दे वाले। अच्छा स्पाइसी जो है ना, और ये रायता था दूसरी जो हमने चेक किया, ये भी घर का ही है। घर के ठीक है सर, क्राउड देखकर इधर के टेस्ट का अंदाज़ा हो ही रहा होगा, आप भी ज़रूर आएँ। और आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।